हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक PSU कंपनी के बारे में जो कि रिफाइनरी सेक्टर से है, जिसका कि अभी आप प्राइस देख सकते हैं 109 रुपये हैं, और जो इसके के Q4 रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी रिपोर्ट क्या आई है Q4 के बारे में, और बाकी इसके फाइनेंशियल्स को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना चाहिए या नहीं। इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब हम इसके पहले रिटर्न्स की प्रोफाइल देख लेते हैं। पहले लास्ट वन मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया? लास्ट वन मंथ में इसने 24% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में जो है इसने 27% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट से अगर हम देखें तो इसने अभी तक 19% का रिटर्न दिया है। तो अभी तक मैक्सिमम इसने 1999 से लेकर अभी तक 514% का रिटर्न दिया है। जैसा कि अब हम इस रिपोर्ट पर आ गए हैं, CLSA का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है Q4 रिज़ल्ट FY21 का नेट प्रॉफिट जो है इनके अनुमान से जो है काफ़ी ज़्यादा 28% आगे रहा। इन्होंने जितना अनुमान लगाया था CLSA ने जो है, लेकिन उनके अनुमान से जो है ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया इनका Q4 रिज़ल्ट नेट प्रॉफिट। इसका कोर रिफाइनिंग मार्जिन जो है थोड़ा सा चूक गया है। IOCL ने मार्केटिंग सेगमेंट के लिए इन्वेंट्री गेन का खुलासा नहीं किया है। मैनेजमेंट ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय लॉकडाउन ने मांग को चोट पहुँचाई। इनके जो रिफाइनिंग में जो थोड़ा मार्जिन कम रहा है, इसमें जो क्षेत्रीय लॉकडाउन में थोड़ी सी मांग, मतलब लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी डिमांड में कमी आई है, और मई में रिफाइनरी का रन रेट का स्केल डाउन 84% बनाम अप्रैल में जो 96% हो गया था, यह इसके मार्केट मार्जिन में गिरावट के बीच आता है। FY 2020 में अर्निंग पर शेयर में 15% की कटौती करता है। तो अब हम इसके फाइनेंशियल्स में आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 1,03,085 करोड़ है, और कंपनी की एंटरप्राइज़ वैल्यू 2,19,040 करोड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरप्राइज़ वैल्यू है, और ये कंपनी के लिए नेगेटिव साइन है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 4 का है। प्राइस टू बुक 0.93, वेरी चीप वैल्यूएशन पे है ये कंपनी, बहुत ही सस्ती प्राइस पे मिल रही है ये कंपनी। और डिविडेंड जो है बहुत ही ज़्यादा 10% का देती है, लगभग 11% का डिविडेंड देती है ये। तो ये इसके इसका वैल्यूएशन तो काफ़ी चीप है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो आप, प्रोमोटर्स ने जो है गवर्नमेंट के पास की होल्डिंग 51% की है, पब्लिक के पास होल्डिंग 29% है, DIIs के पास 13%, FIIs के पास 5% की होल्डिंग है। अब हम इसके जो है मार्च 2020 और मार्च 2021 के रिज़ल्ट को कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे Q4 रिज़ल्ट रहे। जैसे कि हम देख सकते हैं, मार्च नेट सेल्स जो है मार्च में 1,39,618 करोड़ था। नेट सेल्स में जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, 1,63,000, और टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका 212 से बढ़कर जो है 13,501 करोड़ हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है एक साल में। वो भी अदर इनकम भी इनके उनमें थोड़ी कमी आई है, जिसमें अदर इनकम मार्च 2020 में 1,722 था, इसमें जो है 1,101 हो गया है। और इसमें जो है इंटरेस्ट मार्जिन देखें अगर हम, 1,850 से लेकर अभी ये कम हो गया है 1,072। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2020 में जो था ये माइनस में था, -13,610 करोड़, अभी ये जो है प्रॉफिट प्लस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया 21 में जो है 10,951 करोड़, काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पहले ये माइनस में था 5,185, अब ये भी प्लस में आ गया है। तो इनके Q4 रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहे हैं, और न्यूज़ भी काफ़ी शानदार रही है। इस शेयर में मेरी राय तो यही बनती है कि जो है सिर्फ न्यूज़ के दम पर और Q4 रिज़ल्ट के दम पर जो है हमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे वैल्यूएशंस हमने फाइनेंशियल्स को देखा, Q4 रिजल्ट तो बहुत शानदार रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इसमें अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेने लायक नहीं है। हाँ, इसमें अभी शॉर्ट टर्म तेज़ी आ रही है,
उसका अगर जिसको लाभ लेना है वो ले सकता है, लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए लेने लायक शेयर नहीं है। तो ये तो मेरी राय है, बाकी आपको जैसा लगता है आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा एक एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।